मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे स्कूल जाने के लिए भी तैयार है शिवांश. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है ना. ईयर फाइव. It's not the first day in school. Yes, it is. And for me, it's year five. Year five में जा रहा है शिवांश. Mama, I don't know when she will even gone in school. 2 years old है तो क्या? हाँ, ना 3 years old. बे 3 year ना तो तैयार थी जा मंडे अच्छे स्कूल. मिनी रिक्वायरमेंट 3 year. तो हमारा बचपन याद आ गया. हम भी स्कूल जाने स्टार्ट करते थे ना तभी हेयर कट फिर ऑयल लगा के दो चोटियां और नेल कटिंग सब कुछ क्लीन होके फिर जाते थे. हमारे में तो वो नहीं करते तो वहाँ पर टीचर मारते थे. हाँ चेक करते थे गेट पर. हाँ तो हमारे तो गर्ल्स स्कूल थी ना तो दो चोटी अगर नहीं बांधी है ना तो वो जो सुतली आती है ना उससे दो चोटी बांध देते थे. छोटे छोटे हेयर कोई कर लेता था ताकि चोटी ना बांधनी पड़े पर फिर भी बांधते थे. तो ऐसी पनिशमेंट वाला आपको गिरीश कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा घर पे. अभी बच्चे चले जाएंगे स्कूल पे तो अच्छा कर लग पास आई जा है तो ये मने उलागे कि हमरा डोर ये बात करे कोना बे महीना से ये बात करे हॉस्टल बताऊं नाम कैसे कुछ छोकरा होने 11 बज गए हैं और हम बना रहे हैं अभी से लंच यानी कि ब्रंच. दोनों में से कोई भी समझ लो. एक टाइम का जो मील बनता है वो आज बन रहा है पाव भाजी या फिर भाजी पराठा. दोनों में से गिरीश को जो खाना होगा वो पराठा अगर बना दूंगी और नहीं खाना है तो पाव खा लेंगे. तो भाजी इसीलिए बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सब्जियां सब पड़ी थी फ्रिज में ही और अभी जो है सारे फंक्शन वगैरह थे तो सब कुछ यूज में भी नहीं आया था तो मैंने सोचा उसी बहाने यूज में भी आ जाएगा और भाजी भी हमारी हो जाएगी. भाजी तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है. मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहे हूँ शिवांश और आदि को. आएंगे ना तो खुश हो जाने वाले हैं. उन लोग भी फेवरेट है पाव भाजी तो इसीलिए. Almost my favorite food. पाव भाजी. पाव भाजी ना आदि शिव दी गिरीश मुझे सब लोगों को अच्छी लगती है तो आज तो पाव भाजी बना ली है. मजे ही मजे है, हैं आदि. चलो एंजॉय. थैंक यू. अभी जो है मेरी लॉन्ड्री खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है क्योंकि लॉन्ड्री मेरी खत्म ही नहीं होती कोई रीजन नहीं है. वो मस्त है मम्मा. पाव भाजी एंजॉय. और अभी अभी जो है पार्सल आ गया है. आई विश मुझे पता होता कि इसमें क्या है. मैं हर बार ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ उसके बाद अपने आप को ही सरप्राइज मिलता है ना मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आता है फिर मैं ओपन करती हूँ तभी पता चलता है कि हाँ मैंने वो मंगवाया था. तो मेरे लिए भी सरप्राइज ही होता है कि क्या होगा इसके अंदर. चलो ओपन करते हैं. मेरे लिए ही है या किसी और के लिए? नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है. गिरीश ने कौन सा मंगवाया क्या मंगवाया पता नहीं. ये क्या है? पेंसिल. ये क्या है पता नहीं. और ये क्या है? टॉवल क्यों मंगवाया गिरीश ने? अभी इसके अंदर क्या है वो सरप्राइज है. चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर. जो आ बॉक्स में थी हमें आ वस्तु निकले. गिरीश कौन जाने हूँ ना हूँ मंगे उसे. क्लोज माँ जा रही थी हम शॉपिंग में मुकवाने को मैं जा सीढ़ी माता. ओके मॉर्निंग एवरीबॉडी. कैसे हैं आप सब लोग? कल से ना परसों से एक्चुअली जो जो फंक्शंस थे उसकी वजह से पूरा घर जो है इतना गंदा हो गया था. कल 11 बजे तक मैंने सब क्लीनिंग किया. नीचे का फ्लोर कंप्लीट किया सब कुछ क्लीन करके क्योंकि यहाँ पे झूला वगैरह था फूल गिरे थे इतना मैस कर दिया था ना बच्चों ने भी तो बहुत क्लीनिंग करने में बहुत लेट हो गया. नीचे का फ्लोर नियरली डन ही हो गया था मेरा तो इसीलिए कल वीडियो भी इतना ज्यादा नहीं लिया. मैंने सोचा वीडियो साइड में रखो पहले जो मेन काम है क्लीनिंग का वो खत्म कर लेते हैं वरना ये सब कुछ खत्म ही नहीं हो रहा था. कल सिर्फ पाव भाजी बनी थी जैसे कि मैंने शेयर किया आप लोगों को और देख लीजिए किचन भी कितना क्लीन क्लीन लग रहा है. आज तो थोड़ा बहुत ये डब्बे वगैरह ही बाहर है बाकी तो सब कुछ क्लीन करके सोई थी मैं तो लेट हो गया था उसकी वजह से. और अभी जो है सुबह वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत करते हैं थेपला के साथ आज क्योंकि शिवांश ने कल ही बोल दिया था कि अभी मुझे थेपला लेके जाना है. अभी ना मील देते हैं स्कूल में. मंडे को पिज्जा होता है फ्राइडे को बर्गर वगैरह होता है पर
क्वांटिटी इतनी कम देते हैं ना, अभी इन लोगों का ना जो खाने का होता है ना थोड़ा बढ़ गया है, तो बहुत कम देते हैं ना, तो वो बोल रहा कि अभी मैं घर से ही लेके जाना प्रेफर करूंगा, तो इसीलिए अभी मैं घर पे ही बना रही हूँ थेपला, चीज वाले थेपला, दोनों को पसंद ही है। कल सैंडविच ले गए थे, अभी कल देखते हैं क्या लेके जाएंगे, कुछ नया नया मुझे लगता है कि लंच बॉक्स के आइडियाज अभी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए और मेरा भी काम बन जाए। वैसे मुझे खुद को लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम से ना थेपला बनाए ही नहीं है, तो आज सोचा कि थेपला ही बना दूं अच्छे से। शिवांश को ना योगर्ट और थेपला अभी से अच्छा लगने लगा है, मुझे लगा कि थैंक गॉड ये बच्चों को ठंडा थेपला पसंद नहीं है, पर अभी तो उन लोगों को ठंडा थेपला भी अच्छा लगने लगा है। तो देख लीजिए बाहर जो है आज भी बारिश स्टार्ट हो गई है, दोपहर तक बारिश रहने वाली है, तो कल हमारे कपड़े वपड़े सब धुल के हो गए हैं तैयार, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो बारिश फास्ट आए उससे पहले ना मैं आप लोगों को हमारे जो गार्डन के फ्लावर है वो दिखा दूं, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल से, देख लीजिए। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है हमारा थेपला का आटा, तो यहाँ पे स्पिनिच डाल दी है मैंने, मेथी डालती हूँ ना, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ना हार्ड हो जाता है थेपला, तो स्पिनच से एकदम सॉफ्ट रहता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मेरा आटा गूंदने में ऐसा होता है या फिर क्या होता है पता नहीं, पर स्पिनिच का जो थेपला होता है ना वो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। गार्लिक भी डालने वाली हूँ थोड़ा सा, ताकि टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आए। तो आदि भाई ने भी ब्रश करके हो गया है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार। आदि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। एवरीबॉडी। हाउ वाज योर फर्स्ट डे? यू डिडंट टेल मी यस्टरडे। इट वाज फन। डिड यू मीट योर न्यू फ्रेंड्स? आई डिडंट मीट न्यू फ्रेंड्स। तो बद्दा जूना जता? हां। ओके। गुड। हाउ इज योर न्यू टीचर? गुड। गुड। डिड यू मिस मी? No. Why? Because I wanted to focus on my things. Oh, that's good. That's good. गुड मॉर्निंग शिवू। गुड मॉर्निंग शिवू। ने बोला पहले सीरियल खाना है फिर थेपले की उसको खुशबू ऊपर तक आ गई ना, तो अभी बोल रहा है कि थेपलू खाऊ। थेपलू ने दही। देख लीजिए थेपलू और दही खाने लग गया है अभी ब्रेकफास्ट में शिवू। स्कूल थेपलू ने चीज। थेपलू ने चीज। ओके चलो देखिए आज तो क्या दिन खिला है, दोनों के दोनों मेरे साथ यहाँ पे किचन में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए और मैं यहाँ पे कर रही हूँ थेपला। थेपला मजा आ जाता है ना शिव तुझे? वो भावे थेपला। एंजॉय। शिव हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट स्कूल? सारो तो यर फाइव मा सु करे तो स्पेशल के करे आर्ट है जा खुद यस करा आपको दाना आर्ट यस करे ये नो फेवरेट सब्जेक्ट है ना आर्ट वन ऑफ फेवरेट आपको दिवस आर्ट टीचर नाउ मिस्टर मिस्टर स्टॉक्स स्टॉक्स कितने साल बाद आए सर, वरना टीचर ही थे ना? नवा छे। ओके गुड। सारा छे? ओके। तू क्या बेचे छे स्कूल में? ओ छिट पाछ अहिया ने એવું છે ખબર તમને ના ટોલિસ્ટ હોય ને એને પાછળ બેસવાનું બીકેસ આગળ તો દેખાય ને એટલે પેલા ને ઓ એવું બને ઓકે મને એમ કે હાઈટ પ્રમાણે બેસાડે મન લાગ્યું કે હોશિયાર ને પાછળ બેસાડે છે ને થોડું એવું પણ હોય એવું પણ હોય કઈ રીતે હોય એટલે હોશિયાર બધા બેંક માં બીકોઝ ટીચર ને પછી ત્યાં એક છોકરો ને ના ખબર પડે એટલું એને એ પાછળ બેસા હોય એને આખું ક્લાસ ફરીને ત્યાં આવવું પડે પણ આગળ હોય ને તો ઈઝી હોય એને કમ્યુનિકેટ કરવું ઓકે સ્લાઇડ બતાવવાની ઓકે એટલે એવું છે હવે શું આ દિન પૂછે એ ક્યાં બેસે છે અને આપણે ઇન્ડિયામાં શું હતું ઊંધું હતું હોશિયાર આગળ બેસતા અને થોડા પાછળ આદિ મને લાગે પાછળ જ હશે નહીં આગળ જ હશે આદિ વે યુ સિટિંગ ઇન યોર ક્લાસરૂમ ઇન ધ ફ્રન્ટ ઓર એટ ધ બેક Everybody is at the front. Front? You sitting in front? No, I sit in middle.
મિડલ ઓકે એવરેજ છે એવરેજ છે મારી જેવું છે એવરેજ સ્ટુડન્ટ છે મારી જેમ હા આદિ એવરેજ સ્ટુડન્ટ છે શિવાંશ બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ છે શિવાંશ બધાને શીખવાડતો જો આપણે જઈએ સ્કૂલે ક્યારેક એનો લો હોય ને પેરેન્ટ્સ મીટિંગ કે એટલે બધાને કંઈક ને કંઈક શીખવાડતો જ હોય શિવાંશ હે ને બધા શિવાંશ શિવાંશ કરતા હોય तो कितने दिनों से ना कथा के घर पे नहीं गई थी उसकी जो दीरानी है उसका जो बेबी बॉय आया है वो भी आ गया उसके बाद उसको भी मिलना बाकी है तो वो तो जाऊंगी थोड़ी टाइम के बाद उसके साथ खेलने जाते हैं तो ऐसे तो नहीं जाते तो थोड़ी देर एक दो दिन जाने देती हूँ उसके बाद जाऊंगी पर अभी तो आयरा बहुत बोल रही थी बाबा बाबा तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं वो भी बोल रही थी कथा कि आ जा थोड़ी देर के लिए तो कथा के साथ मिलते हैं बैठते हैं थोड़ी देर के लिए गपशप करते हैं ताकि थोड़ी फ्रेश हो जाओ मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है पता नहीं क्यों आज वेदर की वजह से या क्या है देख लीजिए थोड़ा गला भी जल रहा है सर्दी जैसा होने लग गया है मुझे लगता है देखो इतने मस्त से फ्लावर यहाँ पे रखे हुए हैं एंट्रेंस में ब्यूटीफुल ये फ्लावर वगैरह अच्छे रखे हैं ले तू जमानो लेने वो जमी नहीं आई भी हेलो This flower, I don't know. I'm just mom lady. You're not going out. Mom. Eh, nahi aa mom. Here. Yeah. Are you so che? Bhaiyo room che? Ah, jo bhaiyo nu ko jo. Chalo. No. Itli dingli thai ki chhe ne. देखो कथा के घर पे आ गए और बेबी उसके हाथ में ही है और रेडी मोटी मम्मी बनी गई मोटी मम्मी नहीं काकी मम्मी एक ही हाँ मम्मी एक ही मोटी मम्मी एवं के हमारा मां बड़ी मम्मी हमारा मां लाइक मोटी काकी के पर मैंने मोटी नहीं करा है हम ऑलरेडी आपने मोटा सा वैसे मोटी काकी सूट नहीं था काकी बराबर से काकी बराबर से केवो छे डायो छे डायो छे डायो छे आयरा जीवो आयरा जीवो કેવું ભાઈ ગમે બહુ ગમે બેબી ક્યાં છે બેબી આયુ બેબી ક્યાં હા એને તો ચીકી આવી છે ને ત્યારનો એની સાથે જ રમે જો તમારા ઘરમાં બીજું છોકરું આવી ગયો તને એવું થતું હતું તારું બીજું સેકન્ડ ચાઇલ્ડ આવી ગયું એવું થતું હશે તો બહુ જ ગમે છે અહીંયા બેસી ગયા વોર્ડ ગેમ માં બહુ ગમે મકાનુડો લા મકાનુડો હા મેં કીધું ભાઈ કાનુડો લે આયુ આયુ લે આલે નો જો અહીંયા આપણે સુરતીઓ અને આસપાસ વાળા લોકોના ઘરે આવીએ ને એટલે શું મળે ખબર તમને 24 કેરેટ ની સ્વીટ યહાં પે તુજે સબ મિલેગા સબ મિલેગા જો ચાહિયે વો મિલેગા તો સુરત કી યાદ નહીં આયેગી ફિર જો સુરત કી યાદ આને મેરે ઘર પે આજ તારે મને કેવાનો નોક ટપ કુછ હે સુરત સે હા લોચો કો પેકેટ અગર તુજે ખાને તુ મેરે પાસ આ જાના લોચો लोचो का पैकेट भी है मेरे पास लोचो भी है सब है वो ही तो बोली मैंने वरना आ जाना मेरे पास नौसारी और सूरत का सब है मेरे घर पे तो मैं परसों ही सोच रही थी कि हम लोग ने लास्ट टाइम कभी वो लॉन्ग ड्राइव की थी तूफानी सॉन्ग सुन के नाचे थे कार के अंदर वो दिन कहाँ गए पुरानी कथा खो गई है कहीं पे कहाँ पे पता है यहाँ पे ये लड़की है ना मुझे अभी छोड़ती नहीं है यहाँ आयो तुम्हारी फ्रेंड पर बहुत चीकी थी गई मारी हाथ हाँ आयो तुम्हारी फ्रेंड चोरी ली थी छे वो मेरी गिव मी माय हाँ गिव मी माय फ्रेंड बैग एक्सक्यूज मी What's wrong with my cousin? એવું છે ને તુજે હક હે એવું કે મુજે હક હે હવે જો ચલે તો ક્યારેક રજા ભી આપવાની કોઈને તું આ ભૂમિ માસી આવે તો તું એટલી મસ્ત બેહીને હું જ્યારે બેહાડું તો જો કઈ બોલતી હોય તો જલવા હે અપના માસી કે સાથે સબ બોલતી હમને ભી બેને વાત કરા દે ને જરાક એ તારા સિવાય બીજા બે જણા છે મેં કથા કો ફોન કરતી હોને તો પહેલે યે લે લેતી હે વાત કરતી ફિર અપને આપ કાટ ભી લેતી હે ફોન 24 કેરેટ ની છે ને તો પેલી મારી સ્વીટ ખવાય તો મારા આવતો છે તમારી કરતી છે એને ભી ભાવે છે શું કરો
तो चलिए मैं तो आ गई हूँ गार्डन में ना, बहुत ही ज्यादा आज तो थोड़ी देर के लिए मुझे रोना भी आ गया। बच्चों को इतना ज्यादा मैं मिस कर रही थी, अभी आदत नहीं थी ना, 1.5 मंथ से ना हम साथ साथ में ही थे, पूरे दिन शेडो के जैसे साथ में रहते थे। तो अभी इतना अकेलापन लग रहा था ना, सारा काम भी फिनिश कर दिया, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कब मैं जाऊं और बच्चों को लेके आऊं। तो बस अभी तो इसी बात पे वीडियो का एंड कर दे रही हूँ, ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी तो, क्योंकि गला भी दर्द कर रहा है, अकेले अकेले भी लग रहे हैं। कथा के घर पे जाके आई ना, फिर भी मैंने वहां पे भी उसको बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, पता नहीं क्यों। एनीवे वीडियो का एंड यहीं पे कर दे रही हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।